नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। बीपीए न्यूज के कार्यक्रम हेलो राजस्थान हेलो में आपका स्वागत है। आज मुंबई से राजेश जी से चर्चा की गई, जो कि स्वच्छकार कर्मियों के नेता हैं, उनसे की गई खास बातचीत। मैं अभी मुंबई कांग्रेस सफाई कामगार विभाग में मुंबई का प्रेसिडेंट हूँ, सफाई कामगारों का। अच्छा जी, जी सर, मुंबई तो। जी सर, जी सर, तो मैं जानना चाहूँगा आपके मुंबई में वर्तमान कोरोना संक्रमण के समय वहाँ पर हमारे लोगों की क्या भूमिका रही है सर? देखिए, हमारे लोगों की भूमिका ये है कि आज पूरे मुंबई में, पूरे देश में हमारे लोगों की भूमिका ये रहती है, चाहे कोई भी बड़ी बीमारी आओ, उसका सामना सबसे पहले वही समाज को, जो सफाई कर्मचारी है, उनको करना पड़ता है जी। और उस घड़ी में भी आज मेरी समाज के ही लोग करोड़ों पे है और पूरी मुंबई को साफ सफाई कर रहे हैं वो लोग जी। हाँ सर, मैं सर, जो प्राइवेट प्राइवेट सोसाइटी में जो लोग जा रहे हैं हमारे जी, बीएमसी की तरफ से तो शायद उनको सुविधा मिल रही है, लेकिन जो प्राइवेट सोसाइटियां है, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है जी, उनको प्राइवेट सोसाइटियां कोई सुविधा दे नहीं रही है, ना ही उनको पगार दे रहे हैं टाइम से। और लॉकडाउन होने के बाद में सफाई कर्मचारियों की परिस्थिति आज होती दयनीय है, पहले ही दयनीय थी, आज और ज्यादा है जी। और जितना मुझसे हो रहा है, उतना मैं समाज के लिए और ऐसे सफाई कर्मचारियों के लिए मैं काम कर रहा हूँ, जिनको सैनिटाइजर ला के करना, उनको हैंड ग्लोव देना, उनको मास्क देना, ऑरेंज देना जी, ऐसा सब उनके लिए मैं कर रहा हूँ जी। जी जी, तो सर आप वर्तमान स्थिति में वहाँ पर बता पाएंगे कि कितने लोग लगभग उसमें चपेट में आए संक्रमण में? अभी मुंबई तो सबसे ज्यादा है, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जो कोरोना के ज्यादा जो पाए जा रहे हैं वो मुंबई के अंदर ही है जी। एक ऊपर वाले का शायद आशीर्वाद है, जहाँ जहाँ वाल्मीकि समाज के जो सफाई कर्मचारियों की बस्तियाँ है जी, वहाँ पे लगभग ना के बराबर है जी। हाँ, तो सर आपकी तरफ से क्या सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है? मेरी तरफ से ना, जितने सफाई कर्मचारी है, क्योंकि वो प्राइवेट सोसाइटियों में, एक्चुअली ये जो प्राइवेट सोसाइटियों में आई हुई है, हरियाणा से, यूपी से, राजस्थान से, जैसा मेघवाल समाज हुई, वाल्मीकि समाज हुई, रूखी समाज है, ऐसे समाज के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और उनको वो प्राइवेट सोसाइटियों में, जो हमारे गुजरात की तरफ से आए वो यहाँ पर बीएमसी में, महानगर पालिका में है, उनको तो कुछ सुविधा मिल रही है, लेकिन जो हरियाणा, यूपी, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश से जो लोग आए हैं और वो अधिकतर यहाँ पर प्राइवेट सोसाइटियों में काम कर रहे हैं, उनको यहाँ पर कोई सुविधा नहीं मिल रही है। इसलिए मैंने अपने खुद के खर्चे पे मैंने यहाँ पर सैनिटाइजर लाया हुआ है और मशीनें लाई हुई है सैनिटाइजर करने के लिए जी। और राशन दे रहा हूँ कुछ लोगों का, जितनी मेरी कैपेसिटी है जी। लेकिन जो लोगों को अभी कैसा है, एक तो राशन कार्ड पे जो राशन दिया जा रहा है वो जो राशन है वो इस पे केसरी राशन कार्ड पे दे रहे हैं जी। उसका कोई चार्ज ले रहे हैं क्या? जिन हेलो हाँ जी, उसका कोई चार्ज ले रहे हैं क्या? नहीं नहीं, चार्ज नहीं ले रहे, लेकिन उसमें मेरी समाज को कुछ फायदा नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारे लोगों ने के पास वो केसरी राशन कार्ड है नहीं, अंत्योदय राशन कार्ड भी हमारे पास है नहीं जी। और जो बोला जा रहा है कि भाई वर्करों को उसमें पैसा डाल रही सरकार, वो एक योजना आई थी ना, जनधन योजना जी, तो अपने हमारी मेरी समाज के लोगों ने जनधन में खाता खुलवाया था, लेकिन जब उन्होंने कहा कि भाई उसमें 2,000 से 2,500 उसमें रखना ही पड़ेगा कोई, तो लोगों ने वो खाते भी बंद कर दिए। तो अभी समाज को सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिल रही, ना केंद्र सरकार की तरफ से मिल रही है और ना राज्य सरकार की तरफ से सफाई कर्मचारियों को यहाँ पर सुविधा मिल रही है। तो सर, कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे देश को बीपीए न्यूज के माध्यम से? देखिए, मैं पूरे देश को यही देना चाहूंगा कि जो सरकार ने हमारे ऊपर जो लॉकडाउन किया है, हमें उसका पालन करना चाहिए, अपने घरों में रहना चाहिए जी। लेकिन जैसे कि कल आपने देखा है कि राहुल जी ने बताया कि भाई लॉकडाउन इसका पूरा ये नहीं है,
मैं तो ये चाहूंगा, मैं उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहूंगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो लोगों की चेकिंग की जाए, वो किट लाई जाए, उनको उनका जो टेस्ट है वो बढ़ाया जाए ताकि ये कोरोना को रोक सके। और मैं सारी देश की जनता से यही आह्वान करता हूँ कि आप लोग अपने घरों में रहें, क्योंकि घरों में रहेंगे तो ही हम अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं। आज तक इसका कोई भी मेडिसिन अभी तक आया ही नहीं है, इसलिए मैं यही लोगों से अपील करना चाहूंगा कि अपने अपने घरों में रहे और घरों से बाहर ना निकले। जी, बीपीए न्यूज राजस्थान के हेलो कार्यक्रम में चर्चा करने पर आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसी प्रकार से हमारे लोगों की सहायता करते रहेंगे और उन लोगों को जो है पूरा पूरा मार्गदर्शन देते रहेंगे।